ठीक है ना, शुरू करें। और कैसे हैं आप लोग? झारखंड की सबसे बड़ी बात है कि वैकेंसी लगातार बैक टू बैक आ ही रही है, एग्ज़ाम भले हो ना हो, और लग रहा है कि एग्ज़ाम जब वैकेंसी आई है तो एग्ज़ाम भी भविष्य में होगा, ऐसा आशा है। तो इस आशय के साथ हम लोग फिर से काम शुरू करते हैं। अभी एक वैकेंसी आपकी नई आई है, JSSC मैट्रिक स्तर, मैट्रिक लेवल का JSSC का एक वैकेंसी आया है। और बाकी इसका जो सिलेबस है पता ही है आपको, इसमें भी खोटा भाषा एक सिलेबस के रूप में है। अब इसमें क्या है कि इसका जो सिलेबस है खोटा भाषा का, उसको बंद करना, बैठ जाइए। जो जो सिलेबस का खोटा भाषा का सिलेबस है, उस सिलेबस आप समझिए कि उत्पाद सिपाही की तरह ही है, कोई तो इसमें अंतर नहीं है। लेकिन फिर भी इसमें जो मैट्रिक लेवल वाले जो फॉर्म भरेंगे, वो पूरा अपना अप्रोच और पूरा अपना जो कंसंट्रेशन है लगाएंगे इस पर। अब इसमें खोटा भाषा का जो सिलेबस है, थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं, संक्षेप में करेंगे और इसकी स्ट्रैटेजी बना लेते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका JSSC का जो वैकेंसी है खोटा भाषा का, उसका सिलेबस आप देख लीजिए। तीन पार्ट में सिलेबस का सिलेबस, सबसे पहला जो पार्ट है वो आपका है क्या, गद्य भाग। पहला पार्ट है गद्य भाग, दूसरा पार्ट है आपका व्याकरण, और तीसरा पार्ट क्या है, तीसरा पार्ट आपका है निबंध। इसमें एक बात आप जान लीजिए कि इसमें पैध भाग नहीं है। बहुत लोग कंफ्यूज करते, बहुत बहुत कॉल आया था उत्पाद सिपाही के बाद, तो बहुत कॉल आया था, 500 कॉल आया था। अब 50 कॉल में ये पूछा गया कि इसमें पद्य भाग है कि नहीं, तो एकदम क्लियर स्पष्ट है कि भैया पद्य भाग नहीं है, नहीं है, नहीं है, ठीक है ना, नहीं है। ओनली गद्य भाग है, जो भी इसमें रिकमेंड किया गया है किताब खोटा भाषा का, उसमें सिर्फ ओनली गद्य भाग है। और साथ में आपका है खोटा व्याकरण। खोटा व्याकरण देख लीजिए, इसमें है क्या कि खोटा व्याकरण अब ऐसा हो गया है, JPSC के साथ साथ जो JSSC जितनी भी परीक्षाएं हैं, ऑलमोस्ट हमको लगता है सब मिला करके 20 एग्जाम होने वाला है अभी हाल के दिनों में। 20 एग्जाम होगा, या तो कुछ हो गया है या कुछ होगा, या वो JPSC का हो या JSSC को हो। खोटा भाषा का जो व्याकरण है, बाकी आप देख लीजिए ना, सारा लैंग्वेज चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, इंग्लिश तो हट गया, मतलब झारखंड की बात कर रहे हैं, उसमें क्षेत्रीय भाषाएं हो या उर्दू हो, जितनी भाषाएं हैं सारी भाषाओं में व्याकरण है। उसी प्रकार से जो खोटा भाषा है उसमें भी आपका व्याकरण है। तो ये बात तो आपको क्लियर है। अगला इसमें क्या है, खोटा निबंध। निबंध में बहुत जोर दिया गया है, खोटा भाषा में जो निबंध है इससे है, उसे बहुत जोर दिया गया है। इसमें क्या है कि निबंध का कुछ तो किताब को रिकमेंड किया गया कि यहाँ से पढ़ना है, और साथ ही साथ समसामयिक जो निबंध है उस पर भी बात की गई है, तो ये चर्चा करेंगे हम लोग। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, आपका जो गद्य भाग है, गद्य भाग में इसका चार पार्ट है, गद्य भाग में चार पार्ट है, गद्य भाग में इसका चार पार्ट है। पहला जो पार्ट है वो पहला पार्ट है कहानी, और दूसरा जो पार्ट है वो आपका है एकांकी। एकांकी का मतलब यहाँ साफ है कि एक अंक वाला नाटक है ना, एक अंक वाला नाटक, एक अंक वाला नाटक। और सबसे मज़ेदार है कि इसमें सब कुछ बताया गया क्लियरली, इसमें कन्फ्यूजन नहीं। जैसे निबंध में थोड़ा सा दिक्कत है, हमें कन्फ्यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एक अंक वाला है, उसमें क्या क्या होगा सब लिखा हुआ है, और उसके बाद नाटक। JSSC खोटा भाषा में आप ध्यान दिए होंगे कि वहाँ पे पूरा डिफाइन था, सिलेबस डिफाइन था, नाटक कौन कौन पढ़ा जाएगा, लेकिन यहाँ पे नाटक पूरे बड़े रूप में नहीं है, नाटक के भाग के रूप में है, और उसके बाद लघु उपन्यास दिया हुआ है। तो चार आपका है, चार के साथ आपका जो सहायक पुस्तकें हैं, पुस्तक का नाम दिया हुआ है साफ साफ, खोटा गद्य पद्य संग्रह। अब देखिए सबसे पहला सबसे महत्वपूर्ण किताब यही है, खोटा गद्य पद्य संग्रह, इसको दिखाते हैं आप लोग। इसी बुक से आपको पढ़ना है, ये किताब आपकी रही। अब ये किताब आपके पास अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो मेरी राय है कि आप जाके मार्केट से इसको खरीद लीजिए, ठीक है, मार्केट से खरीद लीजिए। और अगर मार्केट में नहीं मिलता है या मार्केट में नहीं मिलेगा तो चिंता नहीं करना है, हम खड़े हैं आपके साथ। जो मेरा क्लासेस चल रहा है, ऑनलाइन क्लासेस जो मेरा चल रहा है, उसमें जो भी पेड कोर्स में बच्चे होंगे उनको सब मिल जाएगा, जो पेड कोर्स में नहीं भी होंगे उनको भी मिल जाएगा। ऐसा नहीं है, मेरा ऐसा नहीं है मोटिवेशन की नहीं, मोटिव की नहीं, जो कोर्स खरीदे उसी को मिलेगा। जो कोर्स नहीं भी खरीदेगा वो भी आप मैसेज कीजिएगा, किस पे, 9871 पे, 9871 230, ठीक है, 795, तो उसमें जो भी संभव होगा आपको हम मैटर PDF दे सकते हैं। तो ये किताब तो एक आपका कन्फर्म है, ये किताब आपका फिक्स है, और ये मार्केट में अवेलेबल भी है।
कुछ बुक्स ऐसा अभी नीचे दिखाई पड़ेगा जो मार्केट में अभी तक अवेलेबल नहीं है, भविष्य में आने की संभावना है, ठीक है। तो ये किताब, तो ये पहली किताब ये हो गई आपकी। दूसरी किताब, अब इस किताब में विस्तार से थोड़ा देख लेंगे अभी। दूसरा जो किताब है वो किताब है आपका दू डायर जिरहुल फूल, एक छोटी सी किताब है ये, क्लास टेंथ के बच्चों के लिए, झारखंड में ये किताब है। ये किताब पढ़ना, इसमें जितना स्टोरी या जो भी इसमें कंटेंट दिया है उसको पढ़ना है। इसका भी सेम है, आप, मेरी राय है कि आप इस बुक को ले लीजिए, क्योंकि जो भी कोर्सेस में बच्चे होंगे उनको मिलेगा PDF, ठीक है। तो इसलिए मेरी राय है कि आप जहाँ भी रहते हो, रांची, हजारीबाग, देवघर, दुमका, जहाँ भी हो, लातेहार, चतरा, अपने अगल बगल जाके बुक से, ई बुक शॉप से बुक खरीद लीजिए, ठीक है। तो ये आपका दो किताब सपोर्टिव बुक है, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है। बहुत अच्छी बात अब हो गई है कि JSSC में जो भी सिलेबस आ रहा है एकदम डिफाइन किया हुआ है, पूरा डिफाइन किया हुआ है कि भैया ये होगा, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, ठीक है। ये बात तो ये हो गया आपका, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये किताब जो है, ये किताब कैसा है तो आपको दिखाई दिए, उसके साथ, उसके बाद इसमें जो जो पढ़ना है, जो पढ़ना है, अब देखिए कहानी है ना, अब कहानी खोटा भाषा में कहानी को कहानी कहते हैं, है ना, कहानी कहते हैं। और यहाँ कहानी साफ साफ आपका दिया हुआ है, जिसमें चार कहानी आपको दिखाई पड़ रहा है ना, चार कहानी दिखाई पड़ रहा है, जैसे कि मांझो है, धर्म करम है, सुंध माटी के टान है और चासा है, ये चारों कहानी पड़ा है। इसका हाल के दिनों में वीडियो बनेगा जिसमें खोटा भाषा से हिंदी में अनुवाद करके हम एक आध वीडियो डाल देंगे आपके YouTube में, आप देख लीजिएगा, आपको एक आपको रफली आइडिया मिल जाएगा, और आइडिया मिल जाएगा तो चलेगा पता कि भैया से इसका पढ़ना क्या क्या है, और एग्जाम में जो सवाल पूछा जाएगा या कैसे सवाल पूछेगा इसमें आपको आइडिया मिल जाएगा। ये पहला हो गया आपका कहानी, उसके आगे बढ़ेंगे, देखते जाइए इसमें। अब इसमें लेख है, तो लेख आपका नहीं पढ़ना है, इसमें कुछ पढ़ना है कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। चलिए, यात्रा वृत्तांत, जीवनी, एकांकी में आपका डाह नाटक है, जो डाह नाटक है सुकुमार जी का, बहुत पॉपुलर है। ये देखिए आपका, ये आपका है डाह नाटक, ये आपका नाटक है, लेकिन यह नाटक का पूरा भाग नहीं, एक भाग पढ़ना है, मतलब पूरा नाटक नहीं पढ़ना है। इसमें भी कुछ लोग कन्फ्यूज करते हैं कि क्या नाटक पूरा पढ़ना है, नहीं, नाटक का एक भाग पढ़ना है, पूरा भाग जो है नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। पूरा जो भाग है वो आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है ना, इसका एक भाग पढ़ना है। एक भाग क्या पढ़ना है वो आपका दिया हुआ है सिलेबस में, ठीक है, बता देंगे आपको क्या क्या करना है। तो इसमें है सुकुमार जी का नाटक आपका, देखिए याद कीजिएगा, जो फॉर्म भरे होंगे JSSC का, CGL लेवल का, उसमें ये किताब पूरी पढ़नी है, ठीक है। तो उसका यहाँ एक पार्ट पढ़ना है, उसको देख लेंगे हम लोग। ये आपका बुक है, ये बुक भी आशा है कि बुक आपके पास होगा, और अगर नहीं है तो मेरी राय है कि जितना किताब है जो रिकमेंड किया गया है उसको आप बुक तो मंगा ही लीजिए, एकदम मंगा लीजिए, पक्का मंगा लीजिए। चलिए, ये हो गया आपका, आगे बढ़ते हैं। भाग दो में क्या है भैया, भाग दो में है पद खंड, ठीक है, फिर से बोल दे रहे हैं इस बार, अब नहीं, भाग दो नहीं पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, इसमें आप कंफ्यूज नहीं हूँ। बार बार लोग लगते हैं कि ये सब दिया हुआ है, क्योंकि बुक का जो रिकमेंडेशन है ऐसा नहीं कि सारा बुक पढ़ना है, ठीक है। तो ये आपका भाग दो नहीं पढ़ना है, आगे बढ़ेंगे। अब आगे आपका दो डायर जिरहुल फूल, ठीक है ना, ये क्लास टेंथ के लिए बुक है। बहुत अच्छी बात है झारखंड में कि अब झारखंड में जब कंपटीशन का लेवल अब धीरे धीरे बढ़ रहा है और क्षेत्रीय भाषाओं का विकास हो रहा है, क्षेत्रीय भाषाओं को प्रमोट किया जा रहा है, तो उसमें क्या है, उसमें वैसे किताब जो सिलेबस में शामिल हैं, या क्लास नाइन्थ में हो, टेंथ में हो, एलेवंथ ट्वेल्थ में हो, या आगे की, अभी अब तो खोटा से सब हो रहा है, BA हो रहा है, PG हो रहा है, PhD भी हो रहा है, तो बहुत अच्छी बात है क्षेत्रीय भाषाओं के लिए, क्षेत्रीय भाषा का दौर लौट पड़ा है। तो इस किताब का जो कंटेंट है हमको काम में आएगा एग्जाम के लिए, ठीक है, इसमें देख लीजिए इसमें, जैसे एग्जाम्पल के लिए भीमा कहनी है, उसके बाद रईस्का भी कहनी है। थोड़ा सा यहाँ पर 2 मिनट रुक के हम बात करना चाहेंगे रईस्का के बारे में। रईस्का वास्तव में एक नाम था, रईस्का जो है सो वास्तव में एक नाम था और एक पात्र है बेचारा, ये डांसर रहता है, ठीक है ना, ये डांसर रहता है रईस्का। और रईस्का के बारे में जब पढ़ेंगे आप तब चलेगा पता कि रईस्का क्या है, रईस्का का जो पात्र है ना, वो पात्र अजब का पात्र है, मतलब आपको उसे लगाव हो जाएगा कैसे वो डांस करता है, कैसे उसका अंत होता है बेचारा, कैसे उसका अंत होता है, ठीक है। ये बंसीलाल बंसी जी का लिखा हुआ है, रईस्का,
और इसका के प्रोजेक्ट ठीक से पढ़िए, हम कल ही कर लेंगे इसको, हम आजकल में ही कर देंगे। सबसे पहले यही करेंगे, सबसे पहले जो है रईस्का का बना करके पूरा हिंदी में अच्छे से इसका संक्षेप सारांश पूरा स्टोरी हम आपको बता देंगे, ठीक है। लेकिन जान लीजिए कि रईस्का जो पात्र है, ये पात्र एक नर्तक है और ये नर्तक जो है डांस करता है, और कितना उसका संघर्ष का कहानी है उसके लाइफ का उसके बारे में है। और फिर दुर्भाग्य रूप से इस रईस्का की मौत भी हो जाती है। मौत कैसे होती है बताएंगे इसको आगे जाकर, ठीक है। तो चलिए, तो इसमें ये हो गया आपका एकांकी, फिर आ गया आपका फुल एकांकी सिलेबस में है, एकांकी आ गया, चित्ररानी आ गया, जो जो इसमें है ना, मुड़फुचका आ गया, जो जो भी इसमें है, हरियरी हरियर भी पढ़ना है आपको, ठीक है। जो भी है इसको विस्तार से हम लोग कर लेंगे, देख लेंगे। तो पैद फिर इसका पद्य भाग नहीं पढ़ना है, फिर बता दें इसका कि दू डायर जो जिन फूल है उसका जो पद्य भाग है भैया हमको उसको नहीं पढ़ना है, नहीं पढ़ना, नहीं पढ़ना है, ठीक है। आज लंबी क्लास नहीं करेंगे, आज क्लास करेंगे मान ली 10 से 12 मिनट का, सिर्फ स्ट्रैटजी कि आप देखिए, खाली गो थ्रू हो जाइए, ठीक है ना। कल जो क्लास होगी वो रईस्का को शुरू करेंगे, अच्छे से उसको बताएंगे। अब उसके बाद है आपका खोटा व्याकरण। खोटा व्याकरण का समस्या आपका हम सॉल्व कर दिए हैं, खोटा जो व्याकरण है उसका हम समस्या ही सॉल्व कर दिए हैं। खोटा व्याकरण का एक हाथ का लिखा हुआ बना बनाया नोट्स बन गया है सभी एग्जाम के लिए, चाहे वो JSSC का एग्जाम हो, JPSC का एग्जाम हो, उत्पाद सिपाही हो, मैट्रिक लेवल हो, CGL हो, कोई भी एग्जाम होगा, सारे एग्जाम में ये खोटा भाषा का जो व्याकरण है इसका नोट्स बना हुआ है हाथ में, ठीक है। हाथ से लिखा हुआ नोट्स है तो अब कोई समस्या ही नहीं आएगी इसमें, अब कोई समस्या ही नहीं है। खोटा व्याकरण का समस्या हम खत्म कर दिए आसान शब्दों में, क्योंकि इसमें इसलिए हम ये बोल रहे थे कि खोटा भाषा का व्याकरण का जो किताब रिकमेंडेशन किया गया है ये JSSC द्वारा, वो कौन सा बुक है, वो आपका बुक का नाम क्या है, इसमें देख लीजिए क्या क्या पढ़ना है। तो भैया से पढ़ना है संज्ञा, सर्वनाम, कारक, लिंग निर्णय, मुहावरा और कहावत। ये पूरा आपका उत्पाद सिपाही की तरह ही खोटा व्याकरण का भाग है, 5-6 भाग है। और इस किताब में इस जो हाथ का लिखा मटेरियल है इसमें पूरे अच्छे से ईमानदारी से सब किया हुआ है। अब रह गया इसका MCQ खाली बचेगा, तो MCQ हम लोग इसको अलग से MCQ जो है सो इसको अलग से कर देंगे, ठीक है, तो आपका काम हो जाएगा। चलिए अब देखिए इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि जो जिस किताब का रिकमेंडेशन किया गया है कि खोटा साहित्य सदानी व्याकरण रचना AK झा जी के, जो झा जी का बुक है उसका, झा जी का बुक जो है जो रिकमेंड किया गया है। अब झा जी का बुक रिकमेंड ये किताब है, इसको भी ले लीजिए आप लोग। किताब का नाम है खोटा साहित्य सदानिक व्याकरण डॉक्टर AK झा, तो इसको भी आप लोग ले लीजिए, ये किताब ले लीजिए। इसमें क्या है, इसमें पूरा आपका व्याकरण है, इसमें आपको पूरा व्याकरण है। दूसरा किताब एक और है खोटा व्याकरण वासुदेव महतो का, तो इसलिए हम क्या बोलना चाह रहे हैं, AK झा जी का व्याकरण और वासुदेव महतो का व्याकरण दोनों से अच्छा है कि भैया जो बना बनाया नोट्स है ले लीजिए, 4-5 दिन पढ़िए, आराम से परीक्षा पास कर लीजिए। अब किताब में जो भाषा है बहुत मुश्किल है, जैसे एग्जाम्पल आपको हम दिखा दे रहे हैं, ये जो किताब है इसमें जो टॉपिक है, ये टॉपिक जैसे एग्जाम्पल के लिए आखर विचार से शुरू होगा, इसमें मैंने अक्षर विचार, आखर विचार, शब्द विचार, संज्ञा, लिंग, सर्वनाम, सर्वनामिक, अदल बदल, कारक, वचन, विशेषण, क्रिया, काल भेद, ठीक है ना। यहाँ पे गलती लिखा हुआ इसलिए बाइक होगा, उपसर्ग, प्रत्यय। अब इसकी जो भाषा है थोड़ी सी जटिल है और थोड़ा सा आपको मुश्किल हो सकता है, क्योंकि पता ही आपको झा जी के बारे में, झा जी का ऐसा मत था कि खोटा भाषा में जितना ठेठ से ठेठ शब्द का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है ना, उतना खोटा भाषा स्थापित होगा, लोग इसको रिकॉग्नाइज करेंगे, और खास करके इस भाषा को मतलब स्थापित करने में झा जी का योगदान रहा है। और जिद्दी किस्म के इंसान थे, इनका कहना था नहीं खोटा भाषा में हम ठेठ शब्द ही रखेंगे। तो हो सकता है कि आपको ये समस्या हो सकती है इस किताब से, लेकिन मटेरियल से दिक्कत नहीं होगा, ऐसे किताब भी लेकिन फिर भी देखिए बाजार का नोट्स या तो सब सही है, लेकिन मेरी राय है एक ओरिजिनल किताब आपके पास होना चाहिए और वो किताब आपका, ये किताब खरीद लीजिएगा, ठीक है। इसमें सब नहीं पढ़ना है, जो खोटा भाषा का व्याकरण है झा जी का सब नहीं पढ़ना है, उसमें जो 6-7 दिया हुआ है, 5-6 दिया हुआ है वही आपको पढ़ना है, ठीक है। चलिए अब अगला भाग जो आपका निबंध भाग है, देखिए निबंध में यहां पर 2 किताब की बात की गई है। एक कहा गया आपका खोटा निबंध संग्रह कुमारी शशि डॉक्टर विनोद कुमार और बीएन होदार का। ये किताब अभी मार्केट में उपलब्ध नहीं है, अगर आ जाता है तो अच्छी बात है। और दूसरा आपका जो निबंध है खोटा निबंध, वो है आपका बीएन उदार सर का जो निबंध का किताब है वो तो अवेलेबल है ही सब जगह, क्योंकि CGL में पढ़ना था इसको,
जो सीजीएल आपका जेएसएससी था वहाँ पे आपका पढ़ना ही था। तो ये किताब आपका जो है, ये किताब, ये जो बुक है आपके अवेलेबल है। अब इसमें जो निबंध का पाठ है, वो निबंध का पाठ ज़्यादा नहीं है, देख लीजिए कौन कौन सा पाठ है निबंध का, कौन कौन सा पाठ है निबंध का देख लीजिए। खोटा निबंध में सबसे पहले आपका बखेड़ा में बखेड़ा, लिंग बखेड़ा, दूसरा बैजका बगरा काम कम। पहला जो टॉपिक है बखेड़ा में बखेड़ा, लिंग बखेड़ा, लिंग संबंधी समस्या। कोई भी भाषा हो, चाहे क्षेत्रीय भाषा हो या हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, कोई भाषा हो, लिंग संबंधी समस्या सब भाषा में दोष है। और लिंग संबंधी क्या दोष है उसको फिंगाटी के रूप में, कमेंट के रूप में, मजाक के रूप में इसको लिखे हैं, बखड़ा बखड़ा लिंग बखड़ा। दूसरा आपका है बजका बकरा काम कम, मतलब भैया बात ज़्यादा मत करो, ठीक है, बात काम, मैंने काम मैंने क्या होता है बोलना ज़्यादा। कुल क्या करते हैं, बोलते बहुत हैं, काम कम करते हैं। या साफ कहा है कि भाई काम ज़्यादा, काम जो है सो काम ज़्यादा कीजिए और बोलिए कम। तीसरा आपका है सोब टाई चले हैं, सोब टाई चले हैं अगर पढ़ लीजिएगा तब चलेगा पता कि खोटा भाषा का जो जड़ कितना गहरा है। यहाँ सब कुछ चलता है, हिंदी क्या हो, यहाँ सब कुछ चलता है। अब सब कुछ चलता है, क्या चलता है, सब कुछ सजीव भी चलता है, निर्जीव भी चलता है, क्या चलता है, यहाँ पे ज़्यादा भेद नहीं खोलेंगे, आप लोग देख लीजिए इस किताब। जो नए लोग अभी हैं, जो पुराने वाले हैं समझ गए होंगे, लेकिन जो नए बच्चे हैं उनको आइडिया आ जाएगा कि खोटा भाषा की जड़ें और खोटा भाषा कितना मजबूती से आगे बढ़ रहा है, इसको पढ़ के आपको आइडिया मिल जाएगा। अगला जो आपका निबंध है वो क्या है, सर्वधर्म संभाव और राष्ट्रीय एकता, एगो कुकरे के आत्मकथा, प्रेमचंद साहित्य के सामाजिक सैर श्रेष्ठताएं योगदान, भाई बहन के सुर प्यार के प्रतीक, कर्मा होगा ये, कर्मा जो फेस्टिवल है पता है आपका कि ट्राइबल्स का, नॉन ट्राइबल आदिवासी सदान दोनों का एक ऐसा पर्व है जिसको लोग बड़ी उत्साह और प्रेम से मनाते हैं। तो उस पर्व के मारे और कहा जाता है कि ये एक भाई बहन के प्रेम का प्रतीक पर्व है, ऐसी मान्यताएं हैं। तो इस कर्म, ये जो कर्मा पर्व है, कर्मा पर्व के बारे में बहुत अच्छा वर्णन हमको लगता है कि इससे कहीं नहीं मिलेगा। कर्मा का, अकर्मा का जो मटेरियल हम बहुत देखें, लेकिन ओहदार सर का जो लिखा हुआ है ये कर्मा पर्व के बारे में ऐसा मैंने अद्वितीय, मतलब ऐसा इससे अच्छा मिलेगा ही नहीं मटेरियल आपको। अगला है आपका फूल कर पर्व सरहुल और तकर प्रासंगिकता, मतलब जो हमारा पर्व सरहुल है वो कितना प्रासंगिक है उसके बारे में बात की गई है। ये सब सब निबंध है, ठीक है। अगला है छोटा नागपुरे के नैनीताल नेतरहाट, नेतरहाट की जो यात्रा किए थे ओहदार सर उसके बारे में विस्तार से लिखे हुए हैं और इतना सुंदर शब्दों में, ठीक है। और लास्ट है आपका हामिन के संस्कृति और तकर ऊपर संकट, हमारा जो कल्चर है आज हिंदुस्तान का, खास करके झारखंड का जो कल्चर है, झारखंडी जो कल्चर है उस कल्चर में समस्या आने लगी है। आप देखिए ना हिंदुस्तान का, अब भारत का जो खास करके बात किया जाए, भारत के जो हिंदू है, भारत के जो हिंदू है वो आधा मानसिक रूप से ईसाई बन चुके हैं मेंटली। आप देखिए सारा फेस्टिवल, हैप्पी न्यू ईयर कब, 1 जनवरी, जबकि हम लोग का कब है, हम लोग का है आपका फागुन के बाद, चैत पहला का है पहला। लेकिन यहाँ तो सारे जो भी धर्म है भारत के, उन धर्मों में बहुत सारी समस्याएं आ गई हैं, और जब धर्म के साथ साथ जो उसका कल्चर है वहाँ समस्या आ गई है, उसके ऊपर फिर फिंगाटी है, कमेंट है कि भैया जो हमारा कल्चर है उसके ऊपर संकट आ गया है। और हम तो खास करके यहाँ बात करेंगे, क्या यहाँ बात करेंगे, झारखंडी कल्चर का, तो झारखंडी कल्चर है, झारखंडी संस्कृति है उसका बात करेंगे, क्योंकि उसमें क्या क्या समस्या है उसके बारे में, ये सब एक तरह से फिंगाठी कहा जाए, फिंगाठी थोड़ा सा नेगेटिव होता है, खोटा में कमेंट बोलते हैं, लेकिन निबंध लेके बताएं कि ऐसा ऐसा है। तो ये आपका सिलेबस था आपका, ठीक है। एक बात हम और करेंगे, साथ में जोड़ देंगे, एक किताब है खोटा कवियों का काव्यागत परिचय, एक किताब है खोटा कवियों का काव्यागत परिचय, इसमें बहुत सारे लेखक और कवि का दिया है जीवनी। तो इसके बारे में जो जो आप ऐसे इसका हम काम करेंगे, जैसे हम क्या बोलना चाह रहे हैं, जैसे मैं आया, इसमें आया बीएन ओहदार सर का जीवनी पढ़ लीजिए, ठीक है, पीछे थोड़ा सा देखिए प्लॉट के हम क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे एग्जांपल के लिए एक कौन आए, एक आए बीएन ओहदार सर आए, तो इनके बारे में इनकी जीवनी पढ़ लीजिए, ये कहाँ मिल जाएगा आपको, यहाँ मिल जाएगा आपको, इसको पढ़ लीजिए, चूँकि इससे एग्जाम में सवाल आने की संभावना बनी रहती है। उसके बाद अब अगला देखा जाए झा जी है ना, तो झा जी के बारे में पढ़ लीजिए, डॉक्टर एके झा है तो झा जी के बारे में पढ़ लीजिए, क्योंकि झा जी से भी आपका जो झा जी से भी एग्जाम में सवाल आने की संभावना हमेशा बनी रहेगी। तो झा जी का जो जीवनी है वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। फिर से बोल दे रहे हैं कि जो भी लेखक हैं, जो भी कवि हैं, जो भी नाटककार हैं, जो भी फिंगाटीकार हैं, सबका जीवनी आपको पढ़ना चाहिए, पढ़ लीजिएगा तो सबसे फायदा होगा आपको, ठीक है। और आगे बढ़िएगा, पीछे लौटते हैं हम लोग, व्याकरण तो हो ही गया। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक हम एग्जाम्पल लेना चाह रहे हैं,
जैसे भीमा है ना, या रईस्का है, जैसे रईस्का को ले लीजिए, तो रईस्का के कौन है लेखक, रईस्का के लेखक हैं बंसीलाल बंसी। तो बंसीलाल बंसी जी के जीवनी के बारे में आपको पढ़ना चाहिए, हो सकता है कि वहाँ सवाल आपका एक आ जाए। ये क्लास था आपका। टेलीग्राम मेरा ग्रुप है, जोहार रेडियो कैंपस का अपना ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पे आप आइए, ज्वाइन कीजिए ग्रुप को। उसमें आपको बहुत सारा मटेरियल दिखाई पड़ेगा आने वाले भविष्य में, बहुत सारा PDF। जोहार रेडियो कैंपस का टेलीग्राम ग्रुप है ना, टेलीग्राम ग्रुप है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। उसमें बहुत सारा PDF आपको दिखाई पड़ेगा, कुछ पहले से है और कुछ डाला जाएगा। तो ये क्लास आज की थी, JSSC खोटा भाषा मैट्रिक लेवल का स्ट्रेटजी संक्षेप में कर दिए हैं। अब हम प्रयास करेंगे कि दो तीन जो ये क्या बोला जाए, इसको जो कहानी है उसको अच्छे से खोटा भाषा से कन्वर्ट करके हिंदी में संक्षेप में आपको बता दें, सुना दें, उसमें सवाल क्या आ गया उसको बता दें। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं ऑनलाइन तो आपको पता ही नंबर 9599624 है ना, 6248 27, इस नंबर पे आप सीधे मैसेज करें, ठीक है, आपको क्लास मिल जाएगा ऑनलाइन भी, है ना, क्लास मिल जाएगा आपको ऑनलाइन। 9599624827, फिर से बोल दे रहे हैं, ऑलमोस्ट खोटा उत्पाद सिपाही और मैट्रिक लेवल खोटा का सिलेबस सेम है, लेकिन जो मैट्रिक लेवल का फॉर्म भर रहे हैं तो माइंड सेट से अच्छे से स्ट्रैटजी के साथ रणनीति के साथ काम करना शुरू कीजिए, ठीक है। और हमको लगता है कि मेहनत करेंगे, साथ में हम लोग रहेंगे तो आपकी सफलता तय होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। तो आज के लिए इतना ही, देख लीजिए आप लोग, ठीक है। खोटा का जो व्याकरण है इसका PDF आप चाहते हैं तो मिल जाएगा, खोटा व्याकरण का 9871720795 9871720795 पे मैसेज कर दीजिएगा, मिल जाएगा आपको। अब बाकी लगे रहिए, मेरी ओर से शुभकामना है, चलिए ऑल द बेस्ट।